हमने हमारे पिछले नोवेल सीरीज के एपिसोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। इस एपिसोड में हम जो हमारे प्रीवियस एपिसोड है सेवन चक्रास के रिलेटेड, हमारी जो बॉडी में सेवन चक्र होते हैं जो कि हम एक्टिव कर सकते हैं, उनके ऊपर जो हमने पॉडकास्ट इनकम्प्लीट रखा था, उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये उसका सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो 114 चक्र की थियरी है वो क्या है, एक्चुअली उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें डिफरेंट है पर्टिकुलरली सेवन चक्रा से, या फिर कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि दोनों को कनेक्ट करती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों का आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक योगिक कल्चर से रिलेटेड टॉपिक है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप इस पॉडकास्ट को देख सकते हो। हमारा गोल यह है एज अ स्ट्रेटिफाई इंडिया कि हम ऐसे अंडररेटेड टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी सारी बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन के पॉडकास्ट बनाएं, ताकि अगर किसी इंसान को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एकदम फैक्टफुल ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सिर्फ एक पॉडकास्ट सुन के वहाँ से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो 100% वैलिडिटी के साथ ले सकता है। तो शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। तो सबसे पहले, हमारी बॉडी में काफ़ी सारी नाड़ी होती है, जिस तरह से हमें पता है, और इन नाड़ी के बीच में जो जंक्शंस होते हैं, जो कनेक्शन होते हैं, ये नाड़ी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे एक एनर्जी का सेंटर होता है, एनर्जी का केंद्र होता है, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाती है। तो ये जो एनर्जी के जंक्शंस होते हैं, इन्हें चक्र बोला जाता है, और ऐसे 114 जंक्शंस हमारी बॉडी में आए हुए होते हैं जहाँ से एनर्जी जो है वो फ्लो करती है। ये जो नाड़ी होती है हमारी बॉडी में, वो एक्चुअली हमारी सोल, हमारी प्राण की चैनल्स की तरह वर्क करती है, और ये हमारे काइंड ऑफ लाइक हमारा जो प्राण होता है, हमारी जो लाइफ होती है एक तरह से, हमारी जो एक बॉडी होती है डिफरेंट टाइप की, उस पर्टिकुलर बॉडी को चैनलाइज करता है और उसकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजता है। तो ये जो जंक्शंस होते हैं, ये जितने भी सेंटर होते हैं एनर्जी के, वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म को जनरेट करते हैं, और इन्हीं ट्रायंगल फॉर्म में वो जो है वो स्पिन भी करते हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं। तो एक्चुअली कहने को वो एक चक्र होते हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट इस तरह से होती है कि वो चक्र की तरह घूमते हैं, लेकिन वो एक्चुअली शेप में देखा जाए तो ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये जो 114 जंक्शंस होते हैं, वही 114 चक्र की थियरी है यहाँ पे। तो इन्हीं जंक्शंस को एक्चुअली एज अ चक्र ट्रीट किया जाता है। तो ये जो 114 चक्रस होते हैं, उनमें से दो चक्र ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, तो उन्हीं में से एक क्राउन चक्र करके हमने बताया था, तो वो हमारी बॉडी से बाहर होता है। तो अगर हम फिजिकली देखा जाए, हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो 112 ही बताए जाते हैं। तो 112 चक्र ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और उन 112 चक्र में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होती है। लेकिन ये जो 112 चक्र हैं, उनमें से भी सिर्फ 108 चक्र को ही काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसका रीज़न ये है कि उनमें से जो चार चक्र होते हैं, वो सिर्फ एक परिणाम के रूप में वहाँ पे हाजिर होते हैं, उनका कोई ऐसा एनर्जिक फ्लो या फिर उनका कोई ऐसा उनमें कोई पावर होती नहीं है। बाय द वे, ये 108 एक ऐसा नंबर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सारे रिचुअल्स के अंदर भी, हमारी सोलर सिस्टम के अंदर भी, और हमारी बॉडी के अंदर भी। जल्द ही इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि किस तरह से ये सोलर सिस्टम से रिलेटेड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो देखो, एक्चुअली जो हमारी डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, वो 108 टाइम्स है हमारे सन के डायमीटर से। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सेम चीज़ हमारे अर्थ और मून के बीच में भी है, मतलब कि जो हमारी अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली 108 टाइम्स मून के है। तो मून की जो डायमीटर है, वहाँ से उसको अगर हम 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मून एंड अर्थ के बीच की डिस्टेंस मिलेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक कनेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये 108 नंबर जो है वो यहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंस लेके आता है। ऑल्सो एक चीज़ और है कि जो हमारी अर्थ की डायमीटर है, अगर हम उसे 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सन की डायमीटर मिलेगी। तो यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बन के आती है। ऑल्सो काफ़ी सारी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी है जहाँ पे 108 नंबर को काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंस दिया जाता है,
और उस पर्टिकुलर नंबर से कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी भी कनेक्टेड हमें बताई जाती है। तो ये जो 112 चक्रज होते हैं, या फिर आप 108 चक्रज भी ले सकते हो, तो ये जो चक्र होते हैं वो एक्चुअली अपने आप को, सारे चक्रों को 7 डायमेंशंस में अरेंज करते हैं, सेट करते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सेट करते हैं, उन्हीं डायरेक्शंस को, उन्हीं यू नो उन्हीं डायमेंशंस को हम जो है वो 7 चक्र के रूप में कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि 112 चक्र या फिर 108 चक्र का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा किसी नॉर्मल इंसान को समझने के लिए, तो उन्हें थोड़ा सा जनरलाइज करने के लिए, उन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने 7 चक्र का कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया था। और उसके अंदर हम मेन जो पर्टिकुलरली एस्ट्रल जोन्स होते हैं, जहाँ पे सारे चक्र की एक डायमेंशन के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, तो उन्हीं डायमेंशंस को हम जो है वो 7 चक्र के फॉर्म में देखते हैं और उन्हें समझने की ट्राई करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा किसी एक नॉर्मल इंसान के लिए समझने को कि 7 चक्र हमारी बॉडी में होते हैं और हम उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी की वजह से ये जो 7 चक्र होते हैं उनमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इन 7 चक्रज में, कहने को ये 7 चक्र है लेकिन इनमें काफ़ी सारी ऐसी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है कि आप अगर उन्हें समझने जाओगे तो 112 चक्र की टोटल प्रॉपर्टीज़ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और उनमें भी डिफरेंट पावर्स हैं और उन्हें एक्टिवेट करने के लिए भी आपको काफ़ी सारी और चीज़ें भी करनी पड़ती है। तो ये जो जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारी प्रोसेस जो है वो करनी पड़ती है। और इसीलिए एंशिएंट इंडिया को जो है वो ब्रिलियंट बताया जाता है हमेशा से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो एंशिएंट मुनि थे, साधु थे, संत थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के सारी थियोरीज जो है वो बना के रखी है। तो उनमें डाउटफुल जैसे कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों थियोरी डिफरेंट है या सेम है आपको बाद में पता चलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों थियोरी में कोई डिफरेंस है ही नहीं। एक्चुअली दोनों थियोरी एक सेम थियोरी को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए दो थियोरी यहाँ पे रखी गई है। तो देखो, ये जितने भी चक्र होते हैं 112, उनमें से एक नॉर्मल इंसान को अपनी जीवन की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी नॉर्मल वर्क वो करता है, जितना ब्रेन स्टॉर्म उसको करना चाहिए, जितना स्पिरिचुअली उसको एक्टिव रहना चाहिए, उस हिसाब से सिर्फ उसे 21 चक्रस की नीड होती है। और अगर 21 चक्र उसके बॉडी में एक्टिव है तो वो इंसान अपनी लाइफ आसानी से पूरी कर सकता है, ऐसा बताया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो 21 चक्रस होते हैं उनमें 3-3 चक्र के ग्रुप बनाए जाते हैं। और ये जो 3-3 चक्र के ग्रुप होते हैं वो एक्चुअली एनर्जी डायमेंशन के बेस पे डिवाइड किए जाते हैं, क्योंकि एनर्जी की 3 डायमेंशंस हमें बताई जाती है, पिंगला, इदा एंड सुषुम्ना। तो इन 3 डायमेंशंस की वजह से यहाँ पे हमें 7 सेट्स मिलते हैं 21 चक्र में से। और इन्हीं 7 सेट्स को हम जो है वो स्पिरिचुअली पढ़ने की ट्राई करते हैं, समझने की ट्राई करते हैं और हमारी बॉडी में इन्हें एक्टिव रखने की ट्राई करते हैं। तो ये जो 3 चक्र हैं वो एक्चुअली एक चक्र के रूप में काम करते हैं और इन्हीं एक चक्र को हम पर्टिकुलरली 7 चक्र में से एक चक्र बताते हैं। तो अगर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह से देखें तो 21 चक्र अगर हमारे बॉडी में एक्टिव है तो हम मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली या फिर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा यू नो मैच्योर बताए जा सकते हैं, या फिर हमारी बॉडी जो हो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम पीक पे काम कर रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम एस्ट्रल बॉडी की बात करें, अगर हम हमारे दूसरे बॉडी की बात करें जो कि दूसरे रेल्म में एक्टिव है, तो वहाँ पे एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम बताई जाएगी। तो बेसिकली आप इसे एक कंप्यूटर के एग्जांपल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। मान लो आपके कंप्यूटर में 112 कोर्स हैं, उनमें से आपको 21 जो है वो एक्टिव रखने हैं ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो बेसिक फंक्शनिंग कर सके। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करनी है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर जो है वो बनाना है, या फिर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए आपके कंप्यूटर से, तो उसके जो 112 कोर्स हैं, CPU के कोर्स हैं, वो एक्टिव होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में ये जो 112 चक्र एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे अगर एक्टिव हो जाए तो हमारी बॉडी जो है वो मैक्सिमम पावर के साथ, मैक्सिमम एनर्जी के साथ काम करेगी और उससे हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली हमारी लाइफ जो है वो जी सकते हैं और कहीं ना कहीं हम शायद से कम समय में ज़्यादा भी जी सकते हैं।
क्योंकि अगर आप देखोगे कि हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगी, तो उससे हम सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, अपनी लाइफ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जी पाएंगे। तो अगर आप देखोगे जो काफ़ी ज़्यादा योगीज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे योगिक क्रियाओं को कंप्लीट करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और उनमें ये जो 112 चक्रस होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हुए होते हैं, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि उनकी योगिक प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है, और वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को इतना कैपेबल बना लेते हैं कि वो सारे चक्रों को एक्टिव कर सके और उनका पूरा का पूरा बेनिफिट ले सकें। तो एक्चुअली लोगों में एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो हठ योगा होता है वो हमारी बॉडी को हील करता है, वो सारी चीज़ों को क्योर करने के लिए, ठीक होने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली जो हठ योगा होता है वो सारी पूरी की पूरी बॉडी सिस्टम को एक्टिव करने के लिए यूज़ होता है, और वहाँ से आप जो है वो 112 चक्रस को एक्टिव कर सकते हो, और ये 112 चक्रस को आप अगर एक्टिव कर लेते हो तो आपकी बॉडी जो वो मैक्सिमम एनर्जी के साथ काम करेगी, चाहे वो इस पर्टिकुलरली आप बॉडी की बात कर रहे हो, माइंड की बात कर रहे हो, एस्ट्रल बॉडी की बात कर रहे हो, या फिर ब्लिस बॉडी की बात कर रहे हो। तो आई थिंक यहाँ पे मैं पॉडकास्ट को एंड करना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड था मेरे हिसाब से, और यहाँ पे टोटल जो चक्र होते हैं उनकी जो थियरी होती है उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको इन चक्रस की बेसिक नॉलेज चाहिए, ये चक्र किस तरह से काम करते हैं, जो 7 चक्र का कॉन्सेप्ट है उन्हें आपको क्यों समझना चाहिए, आपको अगर ये जानना है तो आपको हमारा प्रीवियस एपिसोड ज़रूर से चेकआउट करना चाहिए, जिसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा डीप में सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, डिस्कस किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टफुल, ट्रूथफुल और ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन आपको देने की ट्राई की है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मैं आपको सीधा मिलूंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जिसमें हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग थियरी या फिर एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ।